ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है साक्षी भाव, जिसमें हम इस संसार के खेल को, सभी आत्माओं के पाठ को, होने वाली घटनाओं को जस्ट देखते हैं। उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता, हम उसको एंजॉय भी करते हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। बाबा ने कहा है, जैसे मैं वतन में बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। जरा ऊपर को देखें। बाबा जब इस संसार को नीचे की ओर देखता होगा, तो क्या उसके मन में ये भिन्न भिन्न तरह की दुख, अशांति, परेशानियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सब देखकर कुछ परेशानी होती होगी? बिल्कुल नहीं। उसे पता है जो हो रहा है वह कल पहले भी हुआ था, वही सत्य है और वही तो होना है, वही होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग का अंत है। कलयुग के अंत में सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, ये सब कहाँ हो सकती है? तो हम सभी भी बाबा की तरह अपने चित्त में साक्षी भाव धारण करें। हमारे परेशान होने से, हमारे उलझनों में आने से, हमारे दुखी होने से, हमारे प्रश्नों में उलझने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सभी को ड्रामा का विशेष ज्ञान दे दिया है। ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए हम साक्षी भाव को धारण करें। साक्षी स्थिति बहुत मीठी स्थिति है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ड्रामा की 10 बातें निकाल लें और उनको अपने चिंतन में लाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे सभी आत्माएं इस संसार के नाटक में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कितना सुंदर खेल चल रहा है। एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से, एक सेकंड नहीं मिलता दूसरे से। कितना वंडरफुल खेल बना हुआ है। सब आत्माएं तो अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। वास्तव में तो यहाँ किसी का कुछ भी दोष नहीं है। ये एक बहुत सुंदर बात रहेगी। दूसरी बात, जो कुछ यहाँ हो रहा है, क्योंकि वो कर्म अनुसार हो रहा है, वो किसी ने फिक्स नहीं कर दिया है, मनुष्य ने अपने कर्मों के अनुसार स्वयं उसको बनाया है, तो जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही कल पहले भी हुआ था, वही होना चाहिए। इस बात को याद रखते हुए अपने चित्त को पूरी तरह शांत करें। ड्रामा के खेल को देखते हुए न कोई क्वेश्चन उठे, न कोई कंप्लेंट हो, सब ठीक चल रहा है। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट बज रहा है, जिसमें जितनी शक्तियां हैं, जिसका जितना अनादि अविनाशी पार्ट है, वो अपना प्ले कर रहे हैं। हमें उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। और याद करें, सबको देखते हुए याद किया करें, इन सब आत्माओं का अपना अपना भाग्य है, चाहे वो आपके बच्चे हों या और कोई, सब अपना अपना भाग्य लेकर ही आए हैं। हम तो केवल निमित्त उनकी पालना कर रहे हैं। ये संकल्प हमें बिल्कुल निश्चिंत करेगा। सब अपना भाग्य बना रहे हैं, सब अपना भाग्य खा रहे हैं। साथ में मैं हीरो एक्टर हूँ, मुझे अपना पार्ट इस ड्रामा में सुंदर से सुंदर बजाना है। और जो कुछ हो गया, क्योंकि वो कल्प के बाद ही रिपीट होगा, इसलिए उसको बार बार खोल कर नहीं देखना है। ड्रामा का ये ज्ञान हमें पास्ट को भुला देता है, और क्योंकि भविष्य पूरी तरह निश्चित है, ये भविष्य का ज्ञान हमें निश्चिंत कर देता है। तो इस तरह ड्रामा के ज्ञान को याद करते हुए आज सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि हर आत्मा इस सुंदर नाटक में
अपना पार्ट बजा रही है। ये नाटक सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। और ऊपर को देखेंगे, ज्ञान सूर्य हमारे ऊपर अपनी किरणें डाल रहा है, उसकी किरणों के नीचे रहते हुए हम इस खेल को देख भी रहे हैं और अपना सुंदर पार्ट बजा भी रहे हैं। आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।